हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा पवार वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल में। आज हम कटिंग की वीडियो लेके आए हैं जो कि हमारे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, रिक्वायरमेंट थी उनकी कि कोट सेट की कटिंग जो हमने पीच वाला बनाया था उसकी कटिंग सिखाओ। तो हमने जो पीच वाला कोट सेट बनाया था, फ्रंट से कट था, जो कि हमारे काज बटन वाला था, उसकी कटिंग आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, इसी तरह आप हमें अपना प्यार देते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो कटिंग की हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है। आप इस तरीके से अपने जो कोट सेट है उसकी हमारी जो फोर, इसमें हम ये तय बना लेंगे अपनी, और जो अपनी लेंथ लेंगे, हमने जो इसकी लेंथ रखी है फ्रंट से, हम इसकी लेंथ लेंगे, हमने अभी इसकी रखी है 27.5 पे, जो कि हम 26 इंच पे हम इसकी रेडी करने वाले हैं। तो हमने 1.5 इंच हमने ये एक्स्ट्रा ले लिया है, 1/2 इंच हमारा ऊपर से स्टिचिंग में चला जाएगा और 1 इंच यहाँ से हमारा यहाँ पे स्टिचिंग में चला जाएगा। बैक वाला है, बैक वाला हम बड़ा रखने वाले हैं, मैक्सिमम 3 इंच के अराउंड। हिप के पास से अगर हमारा कोट सेट थोड़ा लेंथ में ज़्यादा एक्स्ट्रा रहता है तो उसे दिखने में भी काफ़ी अच्छा रखते हैं, तो जो आपकी बॉडी शेप है प्रॉपर वो नहीं दिखती है, इससे आप स्लिम भी लगते हैं और काफ़ी अच्छा इसमें पहन के लुक आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी की आज हम आपको कटिंग बताने वाले हैं, बिल्कुल ईजी से, ईजी तरीके से। लेंथ आपको प्रॉपर जितनी आपको रखनी है आप उतनी रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग रखेंगे आप लेंथ जो भी रखेंगे, और जो इसमें लूजिंग दी जाएगी अभी हम वो भी बताने वाले हैं कि आप इसमें लूजिंग किस तरीके से देंगे। तो कंटिन्यू वीडियो को आपको देखना है। सबसे पहले हम जब भी आप निशान लगाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम 1/2 इंची नीचे डाउन पे निशान लगाते हैं, क्योंकि फ्रंट वाला हमें 1/2 इंची डाउन रखना होता है। चेस्ट के अकॉर्डिंग हम अपनी आर्म होल का निशान लगाएंगे, जो कि हम 7.5 पे लगाएंगे। अगर आपको यही चीज़ फिटिंग में चाहिए तो आप 7.25 पे भी लगा सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम 14.5 पे निशान लगाएंगे और हिप वाला हम लगाने वाले हैं 22 इंच पे निशान। ये हमारे 3 निशान हैं, जो कि ये जो हमारा हो गया चेस्ट लाइन हो गया, ये हमारा हो गया जो शोल्डर का है वो वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई हमारी वेस्ट लाइन, और नीचे वाली हो गई हमारी हिप लाइन। अब इसमें हमें लूजिंग कितनी देनी है, सबसे पहले अब हमारा जो साइज है हमारे पास 39 का है, तो 39 में हम 4 इंच से 5 इंच तक की लूजिंग दे सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे जितनी आपको लूजिंग चाहिए, जितनी आपके कस्टमर को लूजिंग चाहिए। अभी हमें जो लूजिंग चाहिए नॉर्मल लूजिंग रखनी है, तो 4 इंच की लूजिंग के साथ हम इसको रेडी करेंगे। तो 39 है तो 39 आएगा, उसके साथ हमारा हो जाएगा 39 में 4 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 43। तो 43 का 4th करेंगे हम, आ जाएगा हमारा 11.25 इंच पे हम ये निशान लगाएंगे। उसके बाद ये हमारा आ जाएगा बैक का आ जाएगा, सॉरी ये हमारा वेस्ट लाइन आएगी जो कि हमारी है 33। 33 में हम प्लस 4 इंच करेंगे तो आपका आ जाएगा 37। तो ये आ जाएगा हमारा 9.25 इंच पे निशान आ जाएगा। उसके बाद हिप का है हमारा 41, तो 41 में हम 4 इंच प्लस करेंगे, हमारा हो जाएगा 45। तो 45 में हम निशान लगाएंगे 11.25 इंच पे। 4th करके हम ये निशान लगाएंगे, सबका 4th हो जाएगा, ये हमारे प्रॉपर निशान लग गए हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे हमें फ्रंट से अपना कट रखना है तो हम क्या करेंगे, कट के लिए 0.25 हम यहाँ से इस तरीके से निशान लगा देंगे, जो कि हमारा फ्रंट में स्टिचिंग में चला जाएगा। कोट सेट है, लूजिंग चाहिए हमें तो इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी बढ़ती हुई भी यहाँ पे जो पट्टियाँ हैं बढ़ती हुई भी लगेगी, तो उसमें भी हमारा हल्का सा रहेगा, हल्का सा हम 0.25 इधर फिर एक्स्ट्रा ले लेंगे। बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है हमारा फ्रंट, फ्रंट हमारा जो आएगा अभी इस साइज में हमारा 6.5 पे निशान लगा लेंगे, और जो हम तीरा लेने वाले हैं क्योंकि हमारा कॉलर वाला नेक है तो इसमें हम लगाएंगे 7.25 पे निशान लगाएंगे। अब फ्रंट को हम अपने शोल्डर वाले से मिला देंगे इस तरीके से,
फ्रंट हमारा है यहाँ से और यहाँ तक, जो हमारा फ्रंट निकलता है यहाँ से यहाँ तक आएगा, क्योंकि हमारी जो सलवटें हैं जितनी भी हैं अगर हम प्रॉपर मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें वो सलवटें नहीं आती हैं। प्रॉपर हमने यहाँ से मेजरमेंट लिया है, जैसे मेरा है 12 इंच तो मैंने 1 इंच प्लस करके यहाँ पे 13 इंच पे निशान लगा दिया है। अब हमारा कॉलर वाला नेक है तो हम जो बैक का निशान लगाएंगे वो मैक्सिमम हम यहाँ पे कर लेंगे 2 इंच पे निशान, और इसको हाफ इंची ये डाउन देंगे हम यहाँ से, जो हाफ इंची हमने डाउन दिया है बैक वाले को इससे इससे मिला देंगे, और जो डाउन दिया है 3 इंची का हमारा यहाँ पे नेक रहेगा, ये देख सकते हैं ये हमने 3 इंची पे नेक पे निशान लगाया है, जो 3 इंची है उसको और डाउन को हम इस तरीके से मिला देंगे। अब हम अपना प्रॉपर ये वाला निशान लगाएंगे जो कि हम अपनी स्केल से लगाएंगे, और इसको हम स्ट्रेट कर देंगे। बाकी अगर आप इसको राउंड भी शेप देना चाहते हैं, ये वाली राउंड शेप भी दे सकते हैं जो कि ये शर्ट लुक देगा आपका, इस तरीके से भी आप इसकी शेप देके इसको बना सकते हैं, और अगर आपको स्ट्रेट रखना है तो आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं, यहाँ से आपकी स्लिट्स ओपन हो जाएंगी, यहाँ से आप स्लिट्स रखेंगे। इसके बाद 1.25 इंची का हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे अपना लूज टाइट करने के लिए, ये 1.25 इंची का हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। यहाँ से हमें स्टिचिंग करना है तो हम यहाँ से 1.5 ही रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टिचिंग का रखना है। अगर हम यहाँ पे हेमिंग रखते हैं तो सेम 1.25 इंच का ही हम यहाँ पे मार्जिन रखेंगे। अब ये वाले हमारे इस तरीके से करेंगे, इसको हम स्ट्रेट कर देंगे। शेप आप नीचे जो भी देना चाहें, राउंड की या फिर स्ट्रेट, वो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, पहले हम फ्रंट कटिंग करेंगे जो हमारा 1/2 इंची हमने डाउन दिया था उसी के साथ साथ। बैक वाला हमारा 1.25 इंची मैक्सिमम बड़ा रहेगा, इसको हम 1.25 इंची बड़ा करके हम ये कटिंग करेंगे। अब हम इसकी शेप दे देंगे, जो नॉर्मल हमारी शेप होती है उसी तरीके से हम ये शेप देंगे। पहले हम बैक की कटिंग करेंगे, और अब हम ये फ्रंट वाली कटिंग कर देंगे जो कि हम 1/2 इंच नीचे डाउन है वहीं से करेंगे। हम यहाँ पे कट लगा देंगे। अब अगर हमें यहाँ पे राउंड रखना है तो हम किस तरीके से रखेंगे, यहाँ तक हमारा प्रॉपर हिप हो जाएगा, और जब अब हम ये अपनी शेप देंगे यहीं से, अब हम प्रॉपर ये शेप दे देंगे जो कि हम हमारा ये हिप है वहाँ से हम मैक्सिमम यहाँ पे नीचे की तरफ रखेंगे 1.5 से 2 इंची के अराउंड। ये हम अभी 2 इंची के अराउंड यहाँ पे रखेंगे, और इसकी प्रॉपर ये शर्ट वाली जो लुक आती है वही राउंड शेप देंगे अभी हम। इसी तरीके से हम बैक में भी अपनी शेप देंगे, राउंड वाली शेप दे देंगे जो कि हमारी इसी तरीके से आएगी।
अब ये बैक वाले की हमें बिल्कुल इसी के साथ हमें टच करके इसकी कटिंग करनी है। और आगे से भी फ्रंट से हम अब ये सीधा कटिंग कर देंगे। तो इजीली अब हमारी ये कटिंग हो चुकी है। और फ्रेंड्स, जितने आप ज्यादा से ज्यादा हमारे पास मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, उतना ही जल्दी हम इसकी स्टिचिंग की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं हम जल्दी से जल्दी इसकी स्टिचिंग करें, तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा अपने रिलेटिव के साथ शेयर करें और रिलेटिव से भी कमेंट कराएं। जितना हमारे पास हमें फीडबैक अच्छी मिलती है, उतनी ही जल्दी हम आपके लिए ये वीडियो स्टिचिंग वाली शेयर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, आज की हमारी ये वीडियो आप सबको कैसी लगी है। अगर आपको पसंद आई है, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और इसी तरह नई नई वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।